नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन वीडियो देखेंगे यूनिट 8 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का, ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। और इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। सभी जितनी भी साइकिल कराई जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी साइकिल को मिस नहीं करना है। जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे टेस्ट सीरीज का उतना ज़्यादा फायदा आपको। तो इसमें आज करंट अफेयर में देखते हैं किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वीडियो देखते हैं कि चैट जीपीटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताओ कौन सा गलत है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। डी गलत हो जाएगा कि भारत का पहला एआई चैटबॉट मानव है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही हो जाएगा कि इसका पूर्ण नाम क्या है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सेकेंड की इसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। थर्ड की चैट जीपीटी की सेवाएं फ्री में उपलब्ध है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति है उसका नाम भी पता होना चाहिए, सैम अल्टमैन, ठीक है। सैम अल्टमैन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का अगर पूछ लिया जाए कि एआई चैटबॉट मतलब सबसे पहला कौन सा है, तो हो जाएगा लेक्सी, लेक्सी, ठीक है, लेक्सी याद रखिएगा, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है इसका कि कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीते कब लाए गए थे। एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, मैंने आपको बता भी चुका हूँ अभी, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है, उसी समय लेके आए थे, ठीक है। तो सितंबर का महीना यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में किस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, वो भी 80वां। थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा अपना RRR नाटू को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा क्योंकि अपना अभी अब तो 81 नंबर का मिल चुका है। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को कब लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये चलता कहाँ से है, ये वाराणसी आपको पता है यूपी से, ये चलेगा अपना डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ तक जाएगा, वाराणसी से चलेगा डिब्रूगढ़ तक, मतलब यूपी से असम तक। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी, विदिशा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद, क्योंकि आकांक्षी जिला पूछा है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है, किसको किया गया था, ये हो जाएगा किलियन एम्बापे, जो कि अपना फ्रांस का है। बाकी ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, पूछ सकता है कहाँ कहाँ के, तो इसको याद रखो एक बार। अब तक वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, 7th का राइट आंसर हो जाएगा अपना 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है 2024 में। तो सबके नाम मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो पहले एक कर्पूरी ठाकुर है, जो कि आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाजपा के पितृपुरुष भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और इसके बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद अपना चौधरी चरण सिंह जी हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह जिनको किसान पुरुष भी बोला जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको पता है 1991 से 1996 तक। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, आपको पता है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, ठीक है। तो ये 5 लोग हो जाएंगे, तो कौन कौन हो जाएगा, कर्पूरी प्रसाद हो जाएगा या कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। फिर उसका हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अपना हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है, 5 लोग को दिया गया 2024 में। नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो सुशासन दिवस किस दिन से किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है, एट मगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2014 से, ठीक है। तो ये और डेट अगर पूछ रहे हैं तो डेट तो उसमें वैसे क्वेश्चन में लिखी हुई है, 25 दिसंबर 2014 से मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को दिसंबर 2023 में अगले कितने वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो इसको बढ़ा दिया गया आगे क्योंकि बढ़िया योजना थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपना सी, 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। और अगर इसकी बात की जाए कि ये स्टार्ट कब हुई, तो ये अप्रैल 2020 में स्टार्ट की गई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये अपनी योजना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके तहत क्या देते हैं, वही अन्न मिलेगा, तो अन्न में क्या मिलेगा, गेहूँ मिल जाएगा, ठीक है, गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, और क्या मोटा अनाज मिल जाएगा, ये सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है कि 69th नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, 10th नंबर का, 69th नंबर का पूछा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधु विनोद चोपड़ा को, ठीक। और
ये एक्चुअली 69 नंबर का है, तो अब अपने को लेटेस्ट ही पढ़ना है। यहाँ पे अगर पूछ लिया तो अपन इसको सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडियन है। अब मैंने आपको इंडियन तो यहाँ पे चार दिख ही रहे, लेकिन उसके साथ कौन है? तो यहाँ पे मेंस डबल पूछा तो लड़कियाँ तो होगी नहीं, सिमोन बाय तो आपको पता है लड़की हो जाएगी, बाकी फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन हो सकता है। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। और मैथ्यू एबडेन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और 43 ईयर की एज है इनकी, तभी इन्होंने जीता है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो जाएंगे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, ठीक है, ध्यान रखना। और रोहन बोपन्ना वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये बेंगलुरु से संबंधित है, अगर ये पूछ ले कि भाई किस राज्य से संबंधित, तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना में कितने पक्षों का समझौता हुआ है? 12th का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, त्रिपक्षीय समझौता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी? एक अपना MP है, तो पार्वती नदी अपने MP में। अब ये नदी कहाँ कहाँ गुजरती है उससे भी आप लगा सकते थे अंदाजा। तो अब आपको पता है भाई अपना जो चंबल है वो राजस्थान में भी जाती है, ठीक है। और फिर अब एक और क्या होगा, अब इसमें आप तुक्का लगाते हैं अगर यूपी हो तो, नहीं तो फिर यूपी नहीं है तो फिर केंद्र सरकार लगाओ, ठीक है। ये तीन के मध्य समझौता है। निम्न पर विचार करना है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम और MS स्वामीनाथन। तो विचार करो इनके ऊपर कि इन्हें 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 को ही दिया गया, 1, 2, 3, ठीक है। चिरंजीवी जी को, एक्टर है साउथ इंडिया के। एम वेंकैया नायडू आपको पता है अपने उपराष्ट्रपति रह चुके पूर्व, उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम कौन है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये कला से संबंधित है, तमिलनाडु से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद विंध्येश्वरी पाठक को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो विंध्येश्वरी पाठक किससे? सामाजिक कार्यकर्ता है, आपको पता है जो सुलभ शौचालय है ना, उन ये इनके द्वारा ही लाया गया, ठीक है। तो ये आपको अगर नहीं पता हो तो यहाँ पता चल जाएगा। और 19 तारीख को आपको पता है 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जो मेंस डे होता है, शौचालय दिवस, सेम डे पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि इसरो द्वारा इनसेट 3DS प्रक्षेपण कब किया गया था? 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, 17 फरवरी 2024 को, ठीक है। मेंस डे का एक्चुअली डेट देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है, तो वो कुछ 19 तारीख है, इतना ध्यान है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसकी पहल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। और अगर इसका ईयर पूछ लिया जाए तो 2023 में स्टार्ट की गई है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, पोषण से संबंधित। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में निम्न में से कौन से देशों ने भाग लिया डेजर्ट नाइट में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा USA और UAE, इन दोनों ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि सुश्री M फातिमा बीवी को 2024 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फातिमा बीवी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पद्म भूषण दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। और आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में फर्स्ट फीमेल न्यायाधीश है, न कि मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना आप लोग, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में कन्फ्यूजन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर साड़ी दी गई है और मध्य प्रदेश से संबंधित, मतलब दी गई है साड़ी और राज्य बताना है कि आपके कौन से राज्य से संबंधित है। तो यहाँ फुलकरी, बोमकई, पैठानी, चंदेरी। तो चंदेरी तो पता ही है तुम लोगों को, ये लगा लोगे मध्य प्रदेश से, तो डी का वन किस में दिख रहा है, तो सभी में बी को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं फुलकारी। फुलकारी कहाँ की आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर ये हो जाएगी अपने पंजाब की। बोमकाई कहाँ की हो जाएगी? ओडिशा की। और पेटनी हो जाएगी फिर महाराष्ट्र की, ठीक है, ये ध्यान लगाइएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। निम्न नामों पर विचार करना है, AN झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रोफेसर अनूप सिंह। 16वें वित्त आयोग के सदस्य बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे नहीं हिला पाएंगे इसको। अब इसको कौन हिला पाएगा? इसको वो ही हिला पाएगा जो तुक्का मार सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, बाकी ये शुरू के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग जो बना है उसके ये हो जाएंगे मेंबर। और अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको पता अरविंद पनगड़िया जी है, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया। नेक्स्ट स्टेज का पंकज उदास की विद्या से संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हो गया, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। और ये जितना भी करंट अफेयर है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पता है 21 का, ये हो जाएगा अपने गजल गायक, ठीक है, और गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महिला अंडर 23 T20 BCCI टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, नीना सिंह बनी है अपनी, किसकी डायरेक्टर जनरल बनी आपको पता होना चाहिए, CISF, ठीक है, CISF की फर्स्ट बनी नीना सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तबला दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है भैया? तो ये बनाया जाएगा अपना 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को अपन सुशासन दिवस भी मना रहे थे, आपको ध्यान होगा तो उसी समय इसको बनाया जाता है, ये ऐसे पढ़ लो और ऐसे ध्यान रख लो। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो किनका बर्थडे होता भैया उस दिन? तो ये हो जाएगा अपना सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पर किया जाता है ये सब, ठीक है, महिला दिवस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2035, 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और अगर बात की कर ली जाए 2040 में क्या करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रमा पर अगर भारतीय भेजना चाह रहे हैं हम लोग, चंद्रमा पर भारतीय भेजना चाह रहे हैं, तो अभी तक आपको पता है कि कोई भी मानव नहीं भेज पाया हम, ठीक है, तो ये चंद्रमा पर 2040 में भेजने की महत्वाकांक्षी योजना है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में स्थापित किया गया? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उज्जैन में, एग्जैक्ट सिटी का नाम भी पता होना चाहिए, उज्जैन। नेक्स्ट है कि सामान्य नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तराखंड। सिकल सेल एनीमिया मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कहाँ से किया गया ये आपको पता है, इजी टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ही मध्य प्रदेश लगाओ। और अगर डेट पूछ ली जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई अपना 2023 में, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ठीक है, इसके बारे में आपको बताइएगा सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, RBC का सेप बिगड़ जाता है, ठीक है, हसिया आकार की हो जाती है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो PT ऊषा लिखा हुआ है ये अब चेंज हो चुकी है, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को बना दिया गया। नेक्स्ट है इसके बाद कि प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी है? प्रमिला मलिक, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, ओडिशा की। तो इसका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का राइट आंसर अपना PT ऊषा ही होगा, ठीक है। प्रमिला मलिक के बारे में आपने देख लिया कि भाई प्रमिला मलिक जो है किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ओडिशा, बीजू जनता दल जो BJT पार्टी है ना अपना नवीन पटनायक जी की, उससे संबंधित है। रियाना बर्नाबी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, और 50 बार बता चुका हूँ, तो राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कि हु हैज़ बिकम द 50th person टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है 50वें क्रम का राइट आंसर इसका हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी जी है, तो ये क्रम याद रखना अन्यथा दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा अपना SAJI KB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सुश्री वैजयंती माला बाली जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किस राज्य से संबंधित है? वैजयंती माला, नाम भी सुना होगा आपने, कला के क्षेत्र से संबंधित है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है इसके बाद कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या कितनी है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, D3682, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाघ रिपोर्ट 2022 बोला है, 2021 की रिपोर्ट अलग कहती है, आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो बाघ रिपोर्ट जो 2021 में आई उसके हिसाब से अगर पूछा जाए तो 3167 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो फिर अपना वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है, और फिर किस टू सक्सेस चैनल से ढूंढने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम वहाँ पे सिली मिस्टेक करके आ रहे हो तो। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा इसकी मैट्रिक मैं बता चुका हूँ, अभी जो लोग स्पीडी करंट अफेयर देख रहे हैं वो हमेशा करंट अफेयर को पूरा सही करेंगे, क्योंकि वो स्पीड में अपन बता रहे हैं पूरा ट्रिक के साथ। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अतो, ठीक है, ये आपको बताई थी मैंने, तो इससे राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि इसके बाद स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा अपना इसरो के द्वारा स्टार्ट की गई है ये, और अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ये ध्यान रखिएगा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये स्टार्ट जो कार्यक्रम है वो इसरो का है, ठीक है, और बस इतना ही काम का आपका। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के कौन से सदस्य 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेंबर जनरली इंसान याद ही नहीं करता, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना अजय नारायण झा।
केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया भैया, कितना कर दिया? पहले कितनी थी ये, राइट आंसर इसको हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, पहले जो लक्ष्य था वो 2 करोड़ का था, अब इसको 3 करोड़ कर दिया। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अरिंदम बागची। पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किए जाने वाले श्री यंग लियू का संबंध किस देश से? यंग लियू, तो लगाओ इसका तुक्का, बहुत सारे लोग तुक्का लगाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉक्सकॉन जो कंपनी आपने सुना होगा, फॉक्सकॉन, ये उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट इसके बाद की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः, इसकी बैटरी मैंने बताई है स्पीडी वाला जो वीडियो है उसमें, तो स्पीडी करंट अफेयर देख लेना भैया, है ना। 43 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसकी ट्रिक वहीं मिलेगी आपको। किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सूर्योदय योजना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना रूफटॉप सोलर पैनल लगाए, मतलब जो आपकी छत है उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उससे संबंधित है, उसमें सब्सिडी भी दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है कि भारत को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया कौन? 46 का राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग, तो ये भारत ने हांगकांग को छोड़ दिया पीछे, अब चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन चुका है। ठीक है, आरबीआई द्वारा नागरिक पेंशन वितरण के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया? 47 का राइट आंसर अपना हो जाएगा बंधन बैंक को। निम्न में से किसके द्वारा जिमिनी AI लॉन्च किया गया? तो इजी क्वेश्चन है, सबने चलाया भी होगा इसको, गूगल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? कौन है मुख्य वास्तुकार? इसका नाम नहीं पता, तो इसका नाम पता है, चंद्रकांत सोमपुरा जी का है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध जैन तीर्थ संवेद शिखर किस राज्य में स्थित है? क्योंकि विवादित हो गया था और यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अब इसको तीर्थस्थल बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से बनाया जाएगा, तो जैन समुदाय के लोगों ने इसे विरोध किया, तो इस वजह से न्यूज़ में था। राइट आंसर इसको हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, 24 जो तीर्थंकर है टोटल, उसमें से 20। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, 4 लोग को दिया गया और चारों के नाम आपको याद होने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। कौन कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश शर्मा जी, ठीक है, जो कि माझ कला से संबंधित है। फिर उसके बाद है कालूराम बामनिया जी, ठीक है, जो कि लोक गायक है। इसके बाद है भगवती लाल राजपुरोहित, ठीक है, जो कि साहित्य संबंधित है। और फिर लास्ट हो जाएंगे अपने सत्येंद्र लोहिया, जो कि खेल से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है, 4 लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट में गृह विभाग किसके पास है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, जो कि मोहन यादव के पास। सही कुट का चयन करना है, पद्म भूषण और क्षेत्र दिए गए सीताराम बिंदल, तोगदान रिंपोचे, श्री राम नायक और श्री उषा उत्थुप। तो उषा उत्थुप तो आपने सुना ही होगा, सिंगर है, कला से संबंधित हो जाएगी। राम नायक भी आपने सुना ही है, ठीक है, तो पॉलिटिक्स से संबंधित है, पॉलिटिक्स यहाँ पर दिए नहीं तो सार्वजनिक मामले हो जाएगा। बाकी फिर क्या बचा थी, टोंगडोन रिंपोर्चे जो है आपको लद्दाख के नाम दिख रहा, तो ये अध्यात्म से संबंधित हो जाएगा। सीताराम बिंदल फिर वही अपना व्यापार उद्योग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस विद्या से? मैंने अभी बता दिया, तो फिर अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका जिला आपको पूछ लूँ क्या? ये अभी आपको यहीं बता देते हैं, उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि अपन ने अभी देखा ना, किसी संबंधित माँ से हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की वर्तमान कैबिनेट में किसे विमुख घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है? कौन है वह व्यक्ति? ये हो जाएंगे अपने श्रीमती कृष्णा गौर को दिया गया। बाबूलाल गौर का नाम सुना होगा आपने, उनकी बहू है। नवगठित मेहर जिले की सीमा कितने अन्य जिलों की सीमा से लगती है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 7 जिलों से लगता है। मैहर, 7 जिले के नाम आपको अब यहाँ मैप में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 7 जिले से लगती है, जैसे सतना, पन्ना, कटनी, आसपास में जितने भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो 5 अक्टूबर को इसका गठन किया गया 2023 में, ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष क्रमशः कौन है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, गोपाल भार्गव और श्री उमंग सिंघार। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 से 11 से लगभग 11% तक। ठीक है, इतने की गिरावट हो गई है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कितनी दर्ज किए गए? 29 से लगभग 11%। नेक्स्ट है इसके बाद
वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, पहला शहर बन गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद के मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक और सबसे न्यूनतम मतदान क्रमशः कौन सी विधानसभा सीट पर हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेलाना, रतलाम में, और जोबट हो जाएगा अलीराजपुर में। ठीक है, तो सेलाना आपको पता है रतलाम में हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा, और अपना जोबट अलीराजपुर में सबसे कम। 61 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के शीर्ष तीन राज्य है, तीनों राज्य के आपको नाम बताना है। तो पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ अगर सिटी अगर बोल दिया जाए तो उसमें आ जाएगा अपना इंदौर का नाम, और फिर सेकेंड उसी के साथ आ जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या रखी गई थी। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, मतलब 3R रखी गई थी। ठीक है, थीम। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन से है? तो ब्रिक्स में आपको पता है कि पहले 5 संख्या थी, अब बढ़ गया है उसमें, तो इसका राइट आंसर बता दो, देख लो अभी। तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या क्या हो जाएगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए, 10 हो गए। एक्चुअली अर्जेंटीना भी जुड़ गया था, लेकिन अर्जेंटीना बाद में पीछे हट गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है? 64, कितने परसेंट का हुआ यहाँ पर मतदान बताओ? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरा 77.15%। ठीक है, 15वीं विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा अधिक ही है ये। ठीक, नेक्स्ट है कि 75 नंबर का जो गणतंत्र दिवस है उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त संस्कृति मंत्रालय की झांकी किस थीम पर आधारित थी? राइट आंसर क्या होगा 65 का, ये हो जाएगा अपना डी, भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कृषि अधोसंरचना विकास के क्रियान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 66 का, ये हो जाएगा अपना डी, मध्य प्रदेश को। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद 67, निम्न पर विचार करना है, सुशीला चानू, नीलकांत शर्मा, मधु यादव, प्राची यादव। ठीक, अब इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, पूछा है कि भैया इनमें से किसको मिला किसको नहीं मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको मिला, सी, मतलब 1 और 4 को मिला है, सुशीला चानू और अपने प्राची यादव को। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है बिम्स्टेक के? राइट आंसर हो जाएगा अपना इंद्रमणि पांडे जी बने हुए। ठीक है, इंद्रमणि पांडे जी। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 69 राइट आंसर हो जाएगा अपना फरीदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा नंबर का संस्करण था, तो 9th नंबर का था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 70 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना आर ई सी लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, जो कि विद्युत से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार करना है, पहला कथन है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, मिलेट दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, बात कर रहे हैं सेकंड की मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड मिला है। थर्ड बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज का मुख्य केंद्र अलीराजपुर को माना जाता है। 71 का राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, और मोटे अनाज का मुख्य केंद्र जो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना मंडला में। ठीक है, मंडला। नेक्स्ट है इसके बाद भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? भूमि राशि पोर्टल, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो कहाँ तैनात किया ये, राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अदन में। आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्री डकैती होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लॉन्च, मतलब लॉन्च नहीं करी है, यहाँ पर अपनी मिसाइल तैनात करके रखी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में क्रमशः शीर्ष तीन राज्य कौन कौन से थे? 74
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने जो आप लोग स्पीड ही देख रहे हैं करंट अफेयर, तो उसको यहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पीडी के जितने वीडियो डाले हैं ना उसको देख लो और फिर उसका ये लगाओ तो आपको मज़ा आ जाएगा। बोले कि नहीं यार ये तो बात सही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी आशी चौकसे का संबंध किस खेल से? आशी चौकसे शूटिंग से संबंधित है मैडम, ठीक है, और एकलव्य अवार्ड मिला है इनको 2022। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 76। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनिल धोपर को दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनिल धोपर जी, जो कि अपने इंदौर से संबंधित है और टेनिस स्पोर्ट्स अगर पूछ लिया जाए तो टेनिस से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्न में से किसे GI Tag नहीं दिया गया है? गोंड, पेंटिंग, बर्टिक, प्रिंट, सरबती गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो पता है कि आपको बाकी सभी को मिला हुआ है, बर्टिक प्रिंट को मिला, सरबती गेहूँ को, गोल्ड पेंटिंग को मिल चुका है, ठीक, नहीं दिया गया, पूछा था ना। क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? जीलैंडिया, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के पास मिलेगा आपको। मैप में अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जीलैंडिया कहाँ पर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र है वो? गांधी विचार दर्शन की दिशा में उत्तम कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि भैया कब स्थापित किया गया, कब, तो 1995 से दिया जा रहा है ये, ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के किन दो ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना पन्ना का मंडला और सीधी का खोखरा ग्राम। नेक्स्ट है 81, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन हो जाएगा वो? ये हो जाएगा अपना बी, मुबारक खत्री को, जो कि धार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाघ प्रिंट आपने सुना होगा, बाघ प्रिंट, ठीक है, तो उसके ये फेमस शिल्पकार है बाघ प्रिंट के, ठीक। नेक्स्ट है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया? अपना इसका राइट आंसर का बुरहानपुर। महतारी वंदन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? 83, कौन सा राज्य है वो? ये हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़। ये मैं आप अगर देखते तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है वहाँ पर, तो आप ट्रिक यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे कि अपन ने वहाँ पर ट्रिक क्या बताई थी इसकी स्पीडी वाले वीडियो में, 36 महतारी की उसकी, ठीक है, महतारी मतलब माँ, तो 36 महतारी उससे, तो ये महतारी वर्ड एक्चुअली छत्तीसगढ़ बोली का है, तो इस वजह से इसको अपने रिलेट किया था, ठीक है। तो भाई जा करके देखिएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी को तेजी से कम करने वाले शेष 4 राज्य बताने हैं आपको, ठीक, तो बताइए। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। प्रतिशत के आधार पर पूछा है लेकिन ये देख लो थोड़ा सा ध्यान से, प्रतिशत के आधार पर पूछा है। वहीं अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया होता तो पहला क्या हो जाएगा? अपना यूपी हो जाता, ठीक है, फिर अपना बिहार हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखना ये पॉपुलेशन के वाइज पूछा हुआ है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, और वो अपना परसेंटेज के हिसाब से पूछा, यूपी, बिहार, एमपी पॉपुलेशन के हिसाब से। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है, श्रीलंका, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 2024 का ये हो जाएगा तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, 5वां संस्करण था ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, और अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि भाई पदक तालिका में कौन सी इस पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, तो फिर ये पता भी होना चाहिए जो मेन इन्फॉर्मेशन है। देखो महाराष्ट्र फर्स्ट पे हो जाएगा, तमिलनाडु जहाँ पर हुआ था ये सेकंड पे आ जाएगा, और हरियाणा ये अपना थर्ड पे हो जाएगा। तो ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा ये तो स्पोर्ट्स के हब है, आपको पता है, ठीक है, तो ये तो आपको हर जगह दिखेंगे ही दिखेंगे, तो आगे पीछे क्रम होता है इनका, बस और कुछ नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किस शहर को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया? तो बताना है आपको, बताइए भाई, साहित्य शहर, क्रिएटिव सिटी, लिटरेचर सिटी किसको किया गया है? इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी, कोझिकोड को। और अगर कोझिकोड पूछ लिया जाए कि भैया कहाँ पर है ये, तो ये आपके केरल में, ठीक है, केरल में, ठीक।
और अगर अपने एमपी से इम्पोर्टेंट एक सिटी है ग्वालियर, जिसको क्या घोषित किया गया, संगीत सिटी में, संगीत सिटी में शामिल किया गया, ठीक है, संगीत सिटी में ग्वालियर को। नेक्स्ट स्टेज क्या, कि विश्व आर्थिक मंच 2000 भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में स्थापित करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, किसे वर्ष 2022 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तम सिंह को। 1984 में इसकी शुरुआत हुई है, लता मंगेशकर जी के जो सम्मान दिया जा रहा है, और अगर पैसा जो है वो सभी में 5 लाख रुपए कर दिए गए, ठीक है, जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक दो को छोड़कर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया है। गंगा शहर बोला है, क्वेश्चन को तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर वहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, और फिर अफसोस करते हो घर पे आकर के, यार कि ये क्वेश्चन में तो कुछ और ही लिखा था, तो रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। तो राइट आंसर जाएगा वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या है कि भाई सही सुमेलित करना है, नवीन घोषित और लोक संबंधित स्थान, जुगल किशोर लोक, मतलब जो अपने कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं भगवान से, वो कौन कौन से कहाँ पर, जुगल किशोर, भादवा माता, बैजनाथ और देवी लोक, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो जुगल किशोर कहाँ हो जाएगा, पन्ना में, ठीक है, फिर भादवा माता कहाँ हो जाएगा, नीमच में, ठीक, बाबा बैजनाथ कहाँ पर है, आगरमालवा में, ठीक है, यहाँ पर आपको बगुलम देवी का जो मंदिर है वो भी मिलेगा, और देवी लोक सलकनपुर में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेज का कि किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की है, और ये इस्लामिक जो राष्ट्र है ना, यहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही थी, तो इसको इनको यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को, और इनके जेल मतलब इनको कैद कर लिया गया था, फिर वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई, हत्या हुई, जो भी हुई। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सुधार लाने वाले मध्य प्रदेश के क्रमशः शीर्षस्थ 4 जिले कौन से हैं, मध्य प्रदेश के। तो राइट आंसर पहले पे अलीराजपुर, फिर बड़वानी, खंडवा और फिर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलीराजपुर ने सबसे पहले की, फिर बड़वानी और फिर खंडवा, फिर बालाघाट, सबसे ज़्यादा अलीराजपुर। नेक्स्ट स्टेज के बाद 33वें और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल क्रमशः कहाँ आयोजित किए जाएंगे, बताओ भाई। समर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात हो रही है, 95 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा पेरिस में, फिर लॉस एंजलस में। पेरिस आपको फ्रांस में, आपको पता ही है, लॉस एंजलस एलए, जो इसको एलए शॉर्ट फॉर्म में एलए बोला जाता है, यूएसए से संबंधित हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। 96 का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। दिसंबर 2023 में ग्वालियर में कौन से तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। 97, तो ये राइट आंसर हो क्या होगा इसका, 99th नंबर का था ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने नहीं याद किया तो फिर ये तुमको याद करेगा रिजल्ट के बाद। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 में कितने आयु वर्ग वाली जनसंख्या को युवा वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है, बताओ भाई। युवा की एज कितनी, युवा की एज मानी जाती है हमारे यहाँ 15 से 29 वर्ष युवा नीति के हिसाब से, ठीक है। और देश की जो अगर युवा नीति पूछ लिया है वो कब आई थी, फर्स्ट वाली, तो 1988 में आई थी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सबसे गंदी चीज़ है, जो सबसे बेकार चीज़ है, वो युवा की पॉलिसी है, ठीक है। युवा को लेकर के कोई भी विज़न नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का। मतलब आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो पब्लिक भाग रही है, क्यों भाग रही है, क्योंकि प्राइवेट में जॉब नहीं है, और प्राइवेट में जो जॉब है तो वहाँ पर दो चीज़ है, एक तो बंदे के पास अगर स्किल नहीं है तो वहाँ 8 से 10 12 15 हज़ार की जॉब है, या फिर बंदे के पास स्किल है तो फिर अच्छी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब बाकी लोग फिर क्या गवर्नमेंट सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या पद खाली, लेकिन गवर्नमेंट पद निकालती नहीं है क्योंकि जानबूझ के रोक के रखती है ताकि इलेक्शन आया हम थोड़े थोड़े करके निकालते रहे, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो बच्चे युवा है उसकी तुम एज खराब कर रहे हो। एक दफ़ा तुम ये बोलते हो कि यूथ हमारे देश का सबसे अनमोल संसाधन है, यही देश का विकास करेगा, और वहीं दूसरी तरफ तुम इनकी उम्र बर्बाद कर रहे हो, मतलब कितना विरोधाभासी नीति है। तो ना तो इसमें युवा सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, और ना ही ऐसा कोई सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसा कोई व्यक्ति है जो युवा को लेकर के कुछ सोचता है, कोई नीति है उसके बाद। फालतू की बकवास इधर उधर की बहुत करनी है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया, लेकिन युवा को लेकर के कुछ नहीं। इसलिए इस देश का युवा बर्बाद हो रहा है, दूसरे चीज़ों में संलिप्त हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ही टोटल फेल्योर है और सांसद और विधायक का,
इसमें जनता की भी भागीदारी, वो कैसे, क्योंकि तुम विधायक चुन लेते हो, सांसद चुन लेते हो, फिर तुम कभी जाते हो उसके पास पूछने कि भैया 1 साल हो गया, अब तुमने क्या किया इस जिले के लिए। जिले के लेवल पे पूछोगे तो वो ऑटोमेटिकली जिला, फिर राज्य, फिर देश का होता है विकास। लेकिन एक बार वोट दे दिया, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता वाला काम हो गया ना वो तो। इसीलिए देश का विकास होता नहीं ढंग से, क्योंकि युवा थोड़ा सा सोया हुआ है, खासकर मध्य प्रदेश का युवा तो सोया ही हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कारगरों, कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की। 99 राइट आंसर क्या हो जाएगा, BM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी भाई इसकी, और 17 सितंबर एक्चुअली वो डेट अगर याद रखना है किसी को इच्छा है तो। और इसमें कितने तरह के कामगार की बात हो रही है, तो 18 तरह के कामगार के बारे में बात होती है। बिपर जाए चक्रवात, इसकी ट्रिक मैंने बताई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D, बता दिया था मैंने इसकी ट्रिक स्पीडी वाले करंट अफेयर में, तो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा मत कीजिए भाई, आप लोग का ही फायदा होना है इसमें, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, और चैनल को आगे बढ़ाइए, आप ही का चैनल है अपना चैनल, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।